आज जो सरकार ने निर्णय लिया है कि हज सब्सिडी को खत्म किया जाए, असली ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज आफताब आलम साहब की खंडपीठ में 2012 के मई में ये निर्णय लिया था कि इस सब्सिडी को, हज सब्सिडी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देना चाहिए और जो भी इससे पैसा बचे वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और ये सब्सिडी 10 साल में खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जो 10 साल 2022 में खत्म होता है। अभी साढ़े चार साल थे, सरकार ने 2022 से पहले ही सब्सिडी खत्म की, उसमें हमें कोई इशू नहीं। लेकिन जो दूसरा भाग था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, वो दो भागों में था और मैं उसको मैं पढ़ूंगा। वो था कि एक तो इसको आहिस्ता आहिस्ता 10 साल में ख़त्म किया जाए और इससे जो सब्सिडी से पैसा बचे वो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक अकलियत के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सरकार ने जस्टिस आफताब आलम की खंडपीठ का जो निर्णय है उसको लागू किया है, वो पूरा दूसरा विभाग जो है इस पैसे को अल्पसंख्यकों के एजुकेशन के लिए, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए और एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में ये पैसा लगाएंगे। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू से दैट दिस वाज इन मे प्रोबेबली इन 2012 देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजेस and bench headed by Justice Aftab Alam, then Supreme Court judge, it was decided that within 10 years from 2012 onwards, that is by 2022, the Hajj subsidy should be abolished gradually. And whatever money is being saved by the government should use that money for the welfare of the minorities and particularly for the education of the minorities' children. Now, since the government has wound up this subsidy almost 4 years before the date prescribed by the Supreme Court, I don't think we have any issue. But I'm sure that the first part of the judgment of the Supreme Court of Aftab Alam and his colleague has been implemented by the Government of India. I'm sure the second part of the judgment, they will implement that also. And let it be also very clear, the Hajis are not benefited out of this subsidy. It is the airlines which are benefited. The normal fare from any part of the country to
जिद्दा इज फार लेस व्हाट द एयरलाइंस आर चार्जिंग. सो द एक्चुअल बेनिफिशरीज आर द एयरलाइंस, द ऑपरेटर्स, बी आवर एयर इंडिया फॉर दैट मैटर एंड ऑल्सो द एयरलाइंस. सो लेट देम नॉट से दैट द गवर्नमेंट वॉज प्लीजिंग एवरीबॉडी. द गवर्नमेंट वॉज प्लीजिंग द एयरलाइंस, नॉट द हाजीज. सो वी हैव नो इशू. विल बी टू हैप्पी दैट द गवर्नमेंट शुड चार्ज ड्यूरिंग हज पीरियड फ्रॉम द हाजीज द सेम अमाउंट विच द एयरलाइंस आर चार्जिंग, पर्टिकुलरली एयर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया via airlines throughout the year. As far I understand, the normal charge between India from any given point to Jeddah is 30,000 to 40,000 rupees, where the airlines are charging about 70,000 to 75,000. So the impression given that the Hajis are being benefited and the government is doing something extraordinary from Hajis, it is not like that. तो Hajis का कोई इसमें ज्यादा फायदा नहीं है. जो impression दिया जाता है कि हम appeasement करते थे या कोई नहीं, इसमें तो airlines का फायदा होता था. जो भी operator, mostly operator हमारी Air India और Saudi Airlines थी, उनका फायदा होता है. Normal जो fare है 365 दिन, वो जो एयरलाइंस हज के दिनों में चार्ज करते हैं उसका आधा है. तो इसका फायदा सब्सिडी का हाजियों को नहीं बल्कि एयरलाइंस को पहुंचता था. लेकिन लेट मी रीड द ऑपरेटिव पार्ट. आई एम नाउ रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया. एबॉलिश हज सब्सिडी इन 10 years, सुप्रीम कोर्ट, New Delhi, 9th May 2012. The Supreme Court on Tuesday directed the Government of India to gradually reduce and abolish Hajj subsidy in 10 years and invest the amount averaging over rupees 650 crores at that time, because this must be reduced now, in education and other measures for social development of the minority community. Then, quote unquote, we direct the central government progressively reduce the amount of subsidy so as to completely eliminate it within a period of 10 years from today, unquote. Sir, the problem is about the government, you know, the pilgrim subsidy, the pilgrim subsidy, like in for other religions, they're starting subsidies for that. Will that create a, you know, communal imbalance? Well, that's not. How does he want to look at it? Well, I don't want to make this an issue. We don't want to make this an issue at all. Let the government do whatever they want to do. I just wanted to make it clear. The Hajis were not the beneficiaries. It was the airlines beneficiaries. If they had some ehsaan on somebody, it was on airlines, not on the Hajis. Gradually kiya, ab ye bahut kam aaye, gradually tha na, to har saal kam hona. Hamare waqt mein bhi hua. Hamare waqt mein hi cabinet decision aaya tha, isko gradually har saal karna. To agar us waqt 650 tha, तो आज मेरे ख्याल में ये उसका आधा भी नहीं होगा. इसलिए गवर्नमेंट नहीं बताती है, उनसे पूछे, क्योंकि अब बड़ा मिनिमल होगा. लेकिन बुनियादी तौर पे जो शायद सरकार इसको प्रोजेक्ट करना चाहती थी, और मैं इसकी थोड़ा बुनियाद में मैं नोट भी ये जब आपके नॉलेज में बताना चाहता हूँ, वो इसका हिस्सा नहीं है. ये 80 में जब मैं MP बना था, तो हर पार्टी का आज भी एक हज कमेटी का मेंबर होता है, लोकसभा एक राज्यसभा का. तो मैं 80 में जब MP बना था, तो मैं सेंट्रल हज कमेटी का मेंबर बना था, और उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान के हाजी सब बम्बई से जाते थे और समंदरी जहाज से जाते थे.
और समंदरी जहाज जो थे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थे, और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वो जहाज अब 2 महीने वो इस्तेमाल करते थे हज के लिए, और बाकी महीने वो फेरी करने लगाते थे नेबरिंग कंट्रीज के लिए, या लक्षद्वीप के लिए, या दूसरी जगह जगहों के जहाँ अंडमान निकोबार के लिए पैसेंजर फेरी के लिए, लेकिन 2 महीने वो इस्तेमाल करते थे हज के लाने के लिए। और जाहिर है जो समंदरी जहाज का किराया है वो बहुत कम होता है हवाई जहाज, और 81 या 82 में ही वो जहाज अब चलने के लिए सर्टिफिकेट हो गया कि चल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट का उस वक्त फैसला था, चूंकि मैं सेंट्रल हज कमेटी का मेंबर था तो मुझे मालूम ये कि अब नए जहाज खरीदने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि हम नए जहाज पे जितना खर्चा आएगा उससे बजाय इन हाजियों को जहाज से लेंगे। लेकिन वो उसमें बड़ा फर्क पड़ता था 1/4 और यहाँ 4 गुना ज्यादा पड़ता था, तो दिस इज हाउ सब्सिडी केम कि भाई इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द शिप्स विच द गवर्नमेंट शुड हैव, बट सिंस वी विल नॉट बाय द न्यू शिप्स टू सेव दैट अमाउंट ऑफ मनी वी विल गिव देम लिटिल सब्सिडी सो दैट दे कैन गो बाय इट। सो दैट इज द जेनेसिस ऑफ 82-83 ऑफ विच आई वाज द मेंबर एंड पार्टी टू। हम स्वागत तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का करते हैं, सरकार का तो नहीं, सरकार के जो इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 4 साल पहले किया लेकिन उन्होंने कहा था 2022 तक खत्म करना। ये फैसला जैसे मैंने कहा ये सरकार का फैसला नहीं है, ये जस्टिस आफताब अहमद की खंडपीठ का फैसला है, और जो हमने भी इम्प्लीमेंट शुरू किया था इन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया, 4 साल पहले किया, ठीक, हमें कोई आपत्ति नहीं। और जो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भी 4 साल रहा हूँ, देखा हूँ कि फायदा हाजी का नहीं है, फायदा एयरलाइंस का।